आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बेरोग जिंदगी यात्रा सिप्ला कंपनी की ओर से देश भर में अस्थमा के प्रति अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है। इसी के चलते कर्नाटक में भी पिछले 23 दिनों से बेरोग जिंदगी यात्रा अस्थमा अवेयरनेस कैंप चल रहा है। बीजापुर में सिटीजन फोरम और दीपक मेडिकल के सहयोग से आज शहर के स्टेशन रोड पर स्थित दीपक मेडिकल के सामने बेरोग जिंदगी यात्रा अस्थमा अवेयरनेस कैंप आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया। बेरोग जिंदगी ये आज सिप्ला कंपनी की ओर से और सिटीजन फोरम बीजापुर और दीपक मेडिकल की ओर से फ्री अस्थमा चेकअप कैंप आयोजित किया है। ये मोबाइल व्हीकल है जो हर कर्नाटक के हर गांव में घूम रही है। ये 23 दिन से घूम रही है, आज बीजापुर में आने का 23वां दिन है इसका। तो मकसद ये है कि अस्थमा जो बढ़ रहा है और उसका रोकथाम, उसका अवेयरनेस करने के लिए ये कैंप सिटीजन फोरम बीजापुर और दीपक मेडिकल की ओर से आयोजित किया गया है। अस्थमा होने के एक ही रीज़न नहीं है कि बहुत सारे रीज़न है, जैसे डस्ट पोल्यूशन है, धुआं है गाड़ियों का, इंडस्ट्रियल शुगर फैक्ट्रीज वगैरह उसके धुआं से अस्थमा होता है। और ये पोल्यूशन जो होता है गाड़ी के धुएँ से, डस्ट से, इससे भी अस्थमा होता है। बहुत सारे लोग इसको, इस बात को जानते नहीं। तो हम लोगों का ये अवेयरनेस कैंपेन इसी के लिए है कि अस्थमा के लिए जो भी सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो उसको डॉक्टर से, खांसी आती है, दम आता है, इसको डॉक्टर से चेकअप करवा लिए और उसका प्रॉपर इलाज करके बेरोग ज़िंदगी जीजिए। हम लोग ये कैंप अभी हर महीना एक डेट फिक्स करके यहीं पे करने वाले हैं। वो इसकी इत्तला भी आप लोगों को समय न्यूज़ के तो न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम लोग बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये न्यूज़ कवर करने के लिए। मैं मुन्ना बख्शी, प्रेसिडेंट सिटीजन फोरम बीजापुर से, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सभी से नमस्कार। ये बेरोग जिंदगी जो प्रोग्राम्स है हम हर महीना इधर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इसका उपयोग ले। क्यों बोल दो, ये अपना लंग्स कितना काम करता है, क्या करता है, उसके बारे में सब जानकारी देती है। अपने यहाँ बीजापुर में डस्ट बहुत है, उस हिसाब से अस्थमा के पेशेंट बहुत है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हर टाइम चेक करना और चेक करके ट्रीटमेंट लेना और अवेयरनेस रखना, उसके बारे में ये प्रोग्राम रखा है। तो हर महीना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका उपयोग करें। नहीं, अभी हम लोग करेंगे डेट फिक्स करेंगे, अभी तो जस्ट शुरुआत है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम है और डस्ट के लिए जो अस्थमा जो होता है, बच्चों में हो, बड़ों में हो, सभी में हो, और इधर एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहते हैं, एक्सपर्ट कंपनी के लोग भी रहते हैं, वो आपको बराबर ट्रीट करेंगे। आपका नाम? नितिन कुमार उनवाल, दीपक मेडिकल सोर्स। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बेरोग जिंदगी यात्रा चल रही है सिप्ला कंपनी की तरफ से। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है वैसे, और ये इस बार बीजापुर में आई है। ये एक महीने से ये यात्रा चल रही है, आज ये हमारे बीजापुर में आई है। सुबह भाग्यवंती हॉस्पिटल में थी और आज ये दीपक मेडिकल एंड जनरल स्टोर की तरफ से यहाँ पे आई है। ये इसलिए यात्रा रखी है ताकि कोई पेशेंट ऐसे भी रहते हैं, कोई गरीब भी रहते हैं और उनको कोई पता भी नहीं चलता कि उनको अस्थमा है या फिर COPD है। जैसे हमारे बीजापुर में आज आप देख ही चुके हैं कि कितनी धूल है, और धूल के कारण या फिर चूल्हा स्मोक के कारण या फिर खेती बाड़ी में जो काम करते हैं उसके कारण अस्थमा होता है, या फिर जो गैरेज में काम करते हैं उनके तरफ से अस्थमा भी हो सकता है और उनको पता नहीं चलता कि मुझे अस्थमा है या नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि दो दो चार चार रुपये का गोली लेके अपना ज़िंदगी चलाते हैं। तो ये हम इस ये यात्रा इसलिए चालू किए हैं कि ताकि गरीबों को थोड़ा पता चले कि उनको अस्थमा है या नहीं है। तो यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप चल रहा है यहाँ पे। आज ये यात्रा दीपक मेडिकल की तरफ मेडिकल के सामने रखी है। जिस किसी को भी अपना चेकअप कराना है, लंग्स चेकअप कराना है,
अस्थमा चेकअप कराना है या फिर COPD चेकअप कराना है, तो ये दीपक मेडिकल के, वैसे हम मंथली यहाँ पे कैंप करते रहते हैं, आज ये यात्रा यहाँ पे, कल ये यात्रा इलकल में भी है, जिस किसी को भी ये इसकी उपलब्ध करवाना है, अपने अस्थमा टेस्ट करवाना है, तो कल यात्रा इलकल में रहेगी, वहाँ पे अपने जाके करवा सकते हैं। थैंक यू जसविंदर सिंह, सिप्ला रेस्पिरेटरी टीम। ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೋಗ್ ಜಿಂದಗಿ ಎಂಬ ಯಾತ್ರಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೀಪಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಜನ್ ಫೋರಂ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಯಾತ್ರಾದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಪೂರ ಈ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಚ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಂದ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಮುಂತಾದದ್ದು ಎದೆ ನೋವುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ನಾಲೆಜು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ದಿನ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕುಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇದೆ, ಅಸ್ತಮ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಸಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಪ್ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಔರ್ ಖಬರೋಂ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜುಡೇ ರಹಿಯೇಗಾ ಆಪ್ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಮಯ್ ಕೆ ಸಾಥ್.